और आपके शेयर एक्सपीरियंस से ये जानना चाहूंगा, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से जिस तरह से आपने इसको देखा है ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स। दो पार्टियां जेडीयू और टीडीपी अभी भी सुर्खियों में हैं, वो दिल्ली भी आई हुई हैं मिलने के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। आपको क्या लगता है, कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेगा, जैसा हम लोग सुन रहे हैं, जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंडिया अलायंस को मजबूती देखिए, प्रदान होगी? राजनीति के गलियारों में क्या होता है, क्या लेन देन होता है, इसका मैं तो बहुत अच्छा एक्सपर्ट हूं नहीं। मैं जानता नहीं चीजों को, मैं काफी बुद्धू सा हूँ इन सब चीजों के बारे में। लेकिन मेरी मोटी समझ ये है कि कुछ ना कुछ लेन देन तो हो जाएगा। और आप जानते हैं क्या कुछ लेन देन होता है, कुर्सी का भी लेन देन होता है, बॉम्बे से प्राइवेट जेट भी आते हैं, प्राइवेट जेट कुछ अपने साथ सूटकेस भी लाते हैं, तमाम चीजें होती हैं। सरकार तो बन जाएगी जिस तरह बनती है, मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं। सबसे महत्वपूर्ण ये बात जी कि सरकार का चरित्र क्या होगा। ये सरकार, देखिए, सरकार इकबाल पे चलती है, इस बात पे कि जनता हमारे साथ, ये जो और इसलिए हम जो कर रहे हैं, ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, केवल मेरा टेक्निकल राइट नहीं, ये जनता के बिहाफ पे मैं कर रहा हूं। इस बार इस सरकार का इकबाल टूट, सरकार चलेगी बिना साख इकबाल और जी बिना साख, इकबाल, लेजिटिमेसी, हेजमनी, डोमिनेंस, वो कम हो जाएगा और वो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी खबर। बिल्कुल, इसी सवाल पर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा 2 मिनट के लिए आपसे। जो नतीजे आए, जिसकी बात आपने की कि इकबाल की बात हुई और डेमोक्रेसी के लिए ये नतीजे बड़े सुखद अनुभव लेकर आए हैं, तो क्या आज से या सरकार बनने के बाद से आप भारत के राजनीतिक सामाजिक ताने बाने में कोई बदलाव देख रहे हैं? सिविल सोसाइटी का हाल जो हमने देखा पिछले 10 सालों में, क्या ये नतीजे उनमें बदलाव के संकेत हैं? 4-5 बदलाव मुझे दिखाई देते हैं भाई। नंबर पहली बात कि ऑपोजिशन थोड़ा सा मजबूत होगा, पार्लियामेंट के भीतर कुछ बहस वास्तव में होगी, सुनना पड़ेगा। जब 250 लोग दूसरे बैठे होंगे तो सुनना तो पड़ेगा ना। जी तीसरा, आपके मीडिया के कर्मी, सहयोगी, बड़े बड़े मीडिया हाउस जो इस देश में चलते हैं, वो शायद 2-4 डिग्री ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें, थोड़ा सा गला उनका भी खुल जाएगा, तो बहुत अच्छी बात होगी। चौथा कि ये जो जुडिशरी, जुडिशरी भी कानून और संविधान को थोड़ा ध्यान से उसकी इबारत पढ़ना शुरू कर देगी। और पांचवा, जो जन आंदोलन है, जन संगठन है, सिविल सोसाइटी है, प्रोटेस्ट है, ये सब ज्यादा मजबूत है, और उनका मजबूत होना देश में लोकतंत्र की सबसे पक्की गारंटी। इस लिहाज से मुझे लगता है कि इस फैसले से, चुनाव का जो परिणाम आया है, उससे इस देश का लोकतंत्र पहले से ज्यादा मजबूत होगा। जो लोकतंत्र के सिकुड़ने के खतरे लग रहे हैं, वो होने की बजाय वो गहराया है। इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत खूबसूरत दिन, और मैं उसको हिंदी में कहता हूँ, ये तंत्र पे लोक की विजय है, जिसको सैल्यूट करना चाहिए। जी, अगर अगर समय है आपके पास, बहुत एक सवाल बढ़िया और करें आपसे। जी, छोटे में कर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी की भविष्य की राजनीति को लेकर या उनके भविष्य के राजनीतिक करियर को लेकर ये सवाल है। जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस के बीच में भी कुछ कहा जा रहा था कि चल रही है चीजें, तो इस मैंडेट के बाद आप उनका राजनीतिक भविष्य कैसा देख रहे हैं? मैं इन चीजों को बहुत बेहतर जानता नहीं हूँ, उनके मन की बात तो दुनिया में किसी को भी पता नहीं लगती है। मैं इतना समझता हूँ, अगर कोई वास्तव में कद्दावर नेता होता, नेहरू जैसा नेता यदि होता, जिससे तुलना वो अपनी बार बार करवाना चाहते हैं, वो आज इस्तीफा दे के हट जाता, कहता कि देखिए, आपने मुझे, मैंने 272 भी नहीं किए, मैंने 400 मांगे थे, आपने मुझे 272 भी नहीं किए, लगता है आप किसी और को मौका देना चाहते। लेकिन मोदी ऐसा करेंगे, इस पे किसी को विश्वास नहीं होता। देखिए ना, आप दोनों के चेहरे पे भी मेरे को विश्वास नहीं दिख रहा कि मोदी ये इतना नैतिक कदम उठाएंगे। अब इसका मतलब है कि इस देश के सब लोगों के मन में कुछ ना कुछ संदेह तो है नैतिकता को लेके। मोदी और मर्यादा दोनों का एक ही वाक्य में प्रयोग करना बड़ा मुश्किल लगता है इस देश में किसी को भी। अब जिसका एक परिणाम ये हो सकता है, जी कि अगर आप सरकार चला रहे हैं बिना इकबाल, मोदी तो है लेकिन मर्यादा नहीं, तो फिर धीरे धीरे ये जो पूरा तिलिस्म बनाया गया था मोदी का, ये तिलिस्म एक दिन जन्म से टूट जाएगा। आप मेरी बात मार कीजिएगा, साल 2 साल में ये स्थिति आ सकती है कि लोग टीवी पे मोदी जी का चेहरा देखें और चैनल बंद। ये अच्छा बड़े बड़े, ये बड़े बड़े डिक्टेटर्स के साथ ये हुआ कि जब रुखसत हुए
तो बहुत बेइज्जत होके गए। मोदी जी ऐसा न करते तो शायद उनके लिए बेहतर रहता।